तो फ्रेंड ये देखिए, आज मैं जो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो है बेल बटन पैंट। ठीक है, तो ये बेल बटन पैंट में दिखाने से पहले जैसे कि आप लोगों को बता दूँ जी, ये पैंट फ्रेंड मैं सिर्फ ड्राफ्टिंग दिखाऊंगा और ये जो फॉर्मूला मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ये सारे फॉर्मूला दिखाऊंगा, ये स्टिच हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि मैं बहुत सारा पैंट आप लोगों को दिखा दिया। ये बेसिक का ये लॉजिक एक ही है, तो इसलिए जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने दिखा पॉकेट अलग से दिखाया और जो साइड पॉकेट बैक पॉकेट दोनों दिखाया, तो इस वीडियो में मैं स्टिचिंग नहीं दिखाऊंगा और फॉर्मूला आपको इतना अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा। पैटर्न भी छोटा कागज में कटिंग करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और उससे पहले मैं बता दूँ जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो उन लोगों से कहूँगा आप लोग हमारा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और जो फ्रेंड घर में बैठकर हमारा वीडियो देखते सीखते हैं, आप लोग इसी तरह देखते रहिए सीखते रहिए। तो चलिए, ये तो हमारा बेल बटन का आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड, जैसे कि पिछले की तरह आप लोगों को करना है ये जो फॉर्मूला है और इसके अंदर जो ए बी सी डी करके जो नंबरिंग मैंने किया है यानी कि लेटर लिखा है, तो इस जगह को आप ध्यान से आप नोट करें और ड्राइंग अच्छी तरीके से करें। हाँ, ये गलती हो गया है तो कुछ भी नहीं होगा। ये बेल्ट है हमारा, ठीक है, इसका बेल्ट है, ये डबल बी है, ये डबल एफ है, ये डबल ए है, डबल सी है, डबल डी डबल ई है, और ये डबल जेड है, डबल ई है, और डबल एफ है, और जी जी ये है। ठीक है, और इसके बाद फ्रेंड ये देखिए, मैंने एक अलग अलग से यानी कि बैक पार्ट को मैंने अलग दिखाया इस जगह में, इसका भी जिस तरीका से ब्लॉकिंग मैंने किया है, ये देखिए, ये एक ड्रॉ किया एक लाइन है, ये एक मिडिल का ड्रॉ किया लाइन है, ये एक लाइन है ड्रॉ किया, तो इसे कहते हैं तो इसे ब्लॉकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बेल बटन पैंट काटने का जो ब्लॉकिंग का तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो इसमें देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने एक ही साथ दोनों पार्ट कटिंग किया है और इसमें मैंने अलग से दिखाया है। और एक तरीका होता है जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कागज में दिखाया आप लोगों को, ये हम फ्रंट पैंट काटे फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद वो पार्ट लेकर हम बैक पार्ट कटिंग करते हैं, तो आसानी होता है, मगर मेरे ख्याल से आप लोगों को जानना जरूरी है यानी कि बैक पार्ट से क्यों हम किस तरीका से हम इसे कटिंग करें, क्यों हम इसे कटिंग करें और इसका वजह क्या है, तो ये सारे डिटेल्स दिखाने के लिए आप लोगों को सीखना है, बेसिक आपको सीखना है। और इसको आप चेंजिंग करें, आप इसे ऐसे और भी नीचे जैसे कि बेल्ट की तरह आप दे नीचे, तो कोई बड़े बात नहीं है, बेसिक है। तो चलिए, ये तो आपको मेरे ख्याल से आप इसे भी नोट कर लिया है, आप लोग इसे भी आप नोट कर लिया है, और मैं ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप पहले इसे लिखिए, नहीं तो आपको ध्यान हट जाएगा। और ये बहुत बढ़िया है फ्रेंड, अब ये फॉर्मूला अगर आपके पास मिल गया तो आप कोई भी बेल बटन पैंट आसानी से बना सकते हो आप लोग। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए मैं आप लोगों को समझा दूँ, जैसे कि इस जगह का जो फॉर्मूला हम लेते हैं वो एक ही है फ्रेंड, ए बी, ये देखिए ए बी 1/4 ऑफ ओएस प्लस हाफ इंच प्लस 1 इंच। ठीक है, तो हाफ इंच क्या है फ्रेंड, हाफ इंच सीम्स शेप के लिए लिया है और 1 इंच फ्रेंड हमने दोनों तरफ का सीम्स के लिए लिया है, एक ही है। और बी क्या है फ्रेंड, 1/3 ऑफ हिप, आप बी जैसे बोला यानी कि बी और ई इस जगह का यानी कि क्रॉस शेप और हाई का, तो ये देखिए 1/3 ऑफ हिप माइनस
टू और 22 हाफ देर में भी चेंज, यानी कि फ्रेंड इस जगह को आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। हम कभी कभी इस जगह को थोड़ा सा बड़ा भी करते हैं फिटिंग्स के लिए, इस जगह को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इस जगह को कभी कभी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 इंच देते हैं, कभी कभी 1.5 इंच भी देते हैं। तो इस जगह को तो हमें पता है 2 इंच एक्स्ट्रा रहता है, तो कभी कभी बड़ा भी होता है। ठीक है, तो मेरे समझाने से तो अच्छा होगा, आप इसे पढ़िए। ठीक है, तो इसी हिसाब से है, तो ए शेप क्या है, 1/3 ऑफ हिप, तो सारे डिटेल्स फ्रेंड इसमें मैंने लिखा था। इसी तरह आपको इस जगह को आपको देखना है। तो मैं एक आपको ड्राफ्टिंग यानी कि ये जो मेजरमेंट है इसी से ये कैसे बेल बटन कटिंग करते हैं, वो तरीका मैं कटिंग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, पैटर्न कटिंग करके। तो वो आप देखें तो शायद आपको आसानी होगा। तो ये देखिए, इसी तरह हमें फैब्रिक लेना है और उसके बाद फिर इसी तरह इसे फोल्ड करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम एक ड्रॉ लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो हमें तो फुल लेंथ, पहले हमें फुल लेंथ चाहिए, कितना चाहिए फुल लेंथ, तो फुल लेंथ हम जब करें यहाँ से, हम करें यहाँ से यहाँ तक, तो फ्रेंड यहाँ से यानी कि हमारा फुल लेंथ 33 है, 33 है। तो 33 का हम क्या करेंगे, 33 माइनस 2 इंच करेंगे हम केसिंग के लिए, 31 करेंगे प्लस 1/2 इंच करेंगे, यानी कि 31/2। तो 1/2 इंच क्यों करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर तो हम छोड़ रहे हैं केसिंग का, जो हम छोड़ रहे हैं 2 इंच, मगर ये जब हम केसिंग से जुड़ेंगे तब ये इस जगह का क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए 1/2 इंच इस जगह को भरा के रखा है। चलिए इस जगह को आप पकड़िए, ये हमारा असली मेजरमेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें फोल्डिंग के लिए यानी कि जो पैंट के जो नीचे में जो बटन है उसके हम फोल्ड के लिए ये 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, हमें जैसे कि इसमें लिख दिया है, इस जगह में मैंने लिख दिया है, ये देखिए, MP MP एंड NO एक्स्ट्रा 2 इंच फॉर फोल्ड एंड हेमिंग। ठीक है, तो इसी तरह आपको मिल जाएगा, जो जो मैं बोल रहा हूँ आप वो फॉर्मूला पहले आप रखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो फुल लेंथ हमारा हो गया, तो फुल लेंथ कितना हुआ, 31/2 प्लस 2 इंच, तो यानी कि 33 हो गया। तो उसके बाद हम 1/4 तक वेस्ट का कटेंगे, वेस्ट कितना है हमारा, वेस्ट 34 है, तो 34 अगर है तो इस जगह हम करें 34 को हम 4 भागा करें, इक्वल टू 8.5 होगा, प्लस 1/2 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, 9/10 हो रहा है। तो यह से मेजरमेंट 10 इंच है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, और एक बात देखिए, जैसे कि बेल बटन थोड़ा सा अलग है, ये जब हम मार्क कर लिया है तो यहाँ से हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें इस लाइन का पता चल गया है। और यहाँ से इधर भी हम 10 इंच लेंगे, और यहाँ से हम ऐसे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों बराबर इक्वल रखेंगे हम, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब हमें फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक हमें जो हाई का मेजरमेंट चाहिए वो क्या है, ऑलवेज क्या होता है फ्रेंड, तो बी एंड ई फॉर्मूला बहुत सिंपल से मैंने आप लोगों को दिखा है फ्रेंड। ये देखिए जो फॉर्मूला इस जगह को दिया है फ्रेंड, 1/3 ऑफ हिप, जिस तरीके से मैंने करते हैं, तो हिप इसमें क्या है, हिप इसमें है फ्रेंड 36 है, 36/3 करें तो 12 होता है, और -2 करें तो 10 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट 10 इंच है। चलिए इधर तक एक लाइन खींचेंगे हम इस तरह, और यहाँ से यहाँ तक